क्या आप Realme Narzo 70 Turbo खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। 5 रीजंस बताऊंगा जिससे आप क्लियरली डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहली पॉइंट की बात करें, इस स्मार्टफोन का नाम Narzo 70 Turbo नहीं, इस स्मार्टफोन का नाम ब्लोटवेयर स्मार्टफोन रखना चाहिए। इसमें भर भर के ब्लोटवेयर दिया गया है, कुछ कसर छोड़ी ही नहीं गई है। हॉट गेम का मजा ले पाएंगे, हॉट एप्स का मजा ले पाएंगे और जितनी भी ब्लोटवेयर दुनिया भर की है सब कुछ इसमें मिल जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अगर इसका म्यूजिक ऐप और फोल्डर एप्लीकेशन को खोलेंगे तो उसके अंदर में भी विज्ञापन आता है, तो आप सोच सकते हैं कितना ये सिक्योर स्मार्टफोन है। सेकंड कॉन्स की बात करें तो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन भी अच्छा नहीं दिया गया है, पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस के अनुकूल भी नहीं है। थर्ड कॉन्स की बात करें तो 2 ईयर्स का मेजर अपडेट मिलेगा, 3 ईयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिलेगा, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसकी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। खैर इससे बहुत लोग सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सेटिस्फाइंग नहीं है। कैमरा जो दिया गया है इसके रियर में 50+2 मेगापिक्सल का, ये डिसअपॉइंटिंग है। OIS सपोर्ट भी नहीं आता है, रियलमी के दूसरे स्मार्टफोन में भी OIS सपोर्ट मिलता है, इस प्राइस पे इसमें नहीं दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो सिर्फ इसमें 9 5G बैंड्स दिया गया है, ये तो बहुत डिसअपॉइंट करने वाली बात है। साथ साथ इसका जो हाईलाइट पॉइंट था कि 90 FPS पे आप गेमिंग कर पाएंगे, कुछ देर 90 FPS पे खेलेंगे लेकिन ये 90 FPS बरकरार नहीं रहेगा। अब आप बताइए कि ये स्मार्टफोन खरीदने लायक है कि नहीं है।